अब बात करेंगे पटना की, जहां पर सीपीडब्ल्यू ठेकेदार को गोली मारने का एक मामला सामने आया है। दरअसल आज सुबह करीब 6:30 बजे एक महिला से कुछ बदमाश चेन लूटने की कोशिश कर रहे थे। बदमाशों का विरोध किया गया और उसी वक्त यहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार बदमाशों ने ठेकेदार को गोली मार दी। मामला शास्त्री नगर थाना इलाके के पुनाईचक का बताया जा रहा है। घायल ठेकेदार को फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये वारदात उसी जगह पर हुई थी जहां हाल ही में एयरलाइंस इंडिगो के मैनेजर रूपेश की हत्या हुई। देखिए बिहार में कैसे इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती यहां पर प्रशासन के सामने है। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं, सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारी को गोली मार दी गई है। महिला से चेन लूटते वक्त बदमाशों का विरोध उन्होंने किया था। कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रकाश, फिर से इस तरह की घटनाएं, मतलब बिहार से तो आपराधिक घटनाओं का जैसे एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, हौसले बहुत बुलंद हैं। मैं जिस घटना स्थल पर हूं, ये वही जगह है जहां पर कि रुपेश जो हत्याकांड हुआ था वो इसी तरह से गाड़ी से आ रहा था और उसे गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी। और ये वही ठीक अपार्टमेंट है जिसके पीछे में ये घर है जहाँ पर अपराधी जो है वो एक महिला है जो हमारे सामने शख्स खड़ा है, इनकी चाची है, और यहाँ से वो गली से वो आ रही थी और अपराधी जो है वो पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। और जैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो क्या हुआ घटना, कैसे हुई घटना, हम चश्मदीद से ही पूछते हैं क्या हुआ, कैसे अपराधी लोग आ रहे थे और क्या चेन छीन ला रहे थे वो लोग। सुबह 6:15 बजे चाची गई हुई थी पार्क टहलने, नवीन पार्क टहल के आ रही थी, ठीक है। जैसे कि जाते वक्त तो वो यहाँ से फूल तोड़ के जाती हैं, रख के जाती हैं, लौट रही थी वो फूल लेने के लिए, तो पीछे से कोई बंदा आया तो मतलब एड्रेस पूछा कि आंटी एड्रेस बता दीजिए। तो बोले ये प्राइवेट घर है, एड्रेस कैसे बताएंगे, तो बोले प्लीज़ बता दीजिए। पॉलिथीन में हाथ डाला, बंदूक कट्टा जो भी है निकाल लिया, बोला शांत रहो नहीं तो मार देंगे। उतने में चाचा इधर से, फिर ऊपर वाले चाचा भाग के आए, फिर हम भी भाग के आए यहाँ से, हम यहाँ तक पहुँचे जब तक वो गोली चला के पीछे भागा। वो गोली किसको लगी? चाचा को लगा। चाचा आपके क्या सीपीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी करते हैं? ठेकेदार है वहाँ पे। आपको लगता है कि ठेकेदारी से ही कुछ रिलेटेड है, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी में अधिकांश घटनाएं ऐसी हुई हैं जो ठेकेदारी के घटना में ही मौत भी हुई है, गोलीबारी भी हुई है। तो नहीं बता सकते, लेकिन चेन स्नैचिंग वाला भी मामला, आधा चेन ले गया। लेकिन ये हिम्मत जुटाना यहाँ तक चेन छीटने के लिए, क्योंकि चेन तो बाहर भी छीन सकता था, लेकिन यहाँ तक पहुँचना, एड्रेस के लिए वो पीछा करना और फिर महिला का चेन दिखाने के लिए छीना ताकि आप लोग बाहर आ सकें और जो उनके निशाने पर हो उनको गोली लगे, वो सब तो पुलिस बता सकते हैं, अभी हम नहीं बता सकते। देखिए पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और मैं घटनास्थल पर पहुँचा हूँ। ये बड़ा अजीब वाकया है कि रुपेश की जो हत्या हुई थी ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर, जिस गाड़ी से वो अपने अपार्टमेंट पे पहुंचे थे उस अपार्टमेंट के ठीक बाहर में, और ये गली जो है वो एंड करता है यहीं पर। मैं भी उस दिन आया था जिस दिन ये घटना हुई थी रुपेश की, और ये वो जो जगह है वो आप देख रहे हैं। तो सीपीडब्ल्यूडी में अधिकांशतः ऐसी घटनाएं हो रही हैं, पहले भी हुई है घटना ठेकेदारी के विवाद में, हालांकि घर वाले अभी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, पुलिस तफ्तीश कर रही है, पर ये मामला संगीन है कि किस तरह से घर के अंदर भी अपराधी पहुंच जा रहे हैं और निशाने पर ले रहे हैं जिनको उन्हें गोली मारना। हालांकि जिन्हें गोली लगी है वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।